अरे बेगानी पार्टी में सतरंगी पब्लिक है, अरे जाने ये कैसी मैग्नेटिक एनर्जी है, सबको ही खींचे चुंबक सी ये पुर्गी है, इसके चलने से चलता है जलवा ये बलता है, गेला 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 सारा जिल्ला हिल पर हिला तुझे कपाली लाटिला, हिल हिल पर हिला तुझे कपाली लाटिया, तुझे कपाली लाटिला, तुझे कपाली लाटिला, फैशन मराठी शोभल तुला। हमारे समाज में किन्नर होना किसी अभिशाप से कम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ही सही वक्त बदल रहा है। और जब को हम ऐसे ही ट्रांस से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपने दम पे अपने बलबूते सिक्स पैक बैंड की इन्होंने शुरुआत करी है, इनको आपने यूट्यूब पे देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा, इन्हें आप बखूबी जानते भी होंगे क्योंकि इनके आपने गानों को सुना होगा। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई क्योंकि आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आपको मतलब नवाजा है इंटरनेशनल वुमेंस डे पे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो वेरी मच। और एक बात बताइए, जिस तरीके से आप लोगों को समाज के लोग, आज आपको समाज के लोगों ने ये नवाजा है, सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल वुमेंस डे पे, और समाज के लोग ही आपको महिला मानने से भी इनकार करते हैं, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इन्हीं समाज से? देखो, समाज तो बदलता है हर समय में, हर 50 साल में क्यों नहीं, 100 साल में क्यों नहीं, समाज बदलता रहता है, धाराएं बदलती रहती, लोग बदलते रहते हैं, मगर जो एक विचारधारा होती है वो हमेशा के लिए लोगों की बंद जाती है। तो ऐसी एक विचारधारा बन गई है कि भाई किन्नर है ना, किंतु नर, ना नर ना नारी लेकिन सबसे भारी है ना, सबसे भारी। हाँ, ना नर ना नारी लेकिन सबसे भारी, वो है हम हिजड़े। मगर अब जब से 2014 में नालसा जजमेंट पास हुआ, तब से हमें एक पहचान मिली है और भारतवर्ष ने हमें एक मौका दिया है आम लोगों के साथ में इंसान बोलकर जीने का, तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद बैंड बना, सिक्स पैक बैंड बना। अच्छा, शुरुआत कैसे करी आपने सिक्स बैंड की? क्योंकि लोग बहुत पसंद करते हैं इनके गानों को, आपके गानों को कह सकते हैं, तो शुरुआत कैसे करी आप लोगों ने? ये जो बैंड है, ये जो हमारे भारत के सबसे रिनाउंड प्रोडक्शन हाउसेज में से एक है, जो यशराज फिल्म्स, उनके जो बेटे हैं आदित्य चोपड़ा, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था ये कि वो एक ऐसा बैंड बनाएंगे जिसमें 6 किन्नर मेन स्ट्रीम में आकर समाज से कदम मिलाकर ये कह सकेंगे कि हाँ भाई, हम भी तैयार हैं कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। तो ये आइडिया यशराज फिल्म्स का था और आदित्य चोपड़ा का था, और जब उनका इतना बड़ा नाम हमारे साथ में जुड़ा सिक्स पैक बैंड के साथ, तो लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया, फिर सोनू निगम जुड़ गए, फिर ऋतिक रोशन जुड़ गए, फिर राहत फतेह अली खान जुड़ गए, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ आपने काम करा है और आपने कांस फिल्म फेस्टिवल में भी जाके आपने रिप्रेजेंट किया है, कैसा लगा मतलब फिर आज आपको ये मुकाम मिला है आप लोगों को? कांस एक अलग ही एक्सपीरियंस था हम सबके लिए, सात समुंदर पार जाना, और वहाँ जाके सिर्फ घूमने के लिए नहीं जाना है तो देश का सम्मान करने के लिए जाना है। सवाल किया कि ये सिक्स पैक बैंड ही नाम क्यों, तो हमेशा हमें 6 आंकड़े से चिढ़ाया जाता है, 5+1, छक्का, मामू, 3+3, तो ये वर्ड को ना एक दिन युवराज ने 6 छक्के मारे थे, तो सारे पूरे शहर में, देश में बवाल हो गया कि भैया छक्के सारे अंदर बंद हो जाओ, युवराज ने 6-6 छक्के मार दिए एक साथ, तो ये छक्के का बहुत बड़ा एक गाली ट्रॉमा था ये खिचड़ों के लिए। तो ये गाली को बदल के कुछ एक नया नाम देना चाहिए, और इसलिए स्पेशली इस बैंड के जो ट्रांसजेंडर्स के मेम्बर्स हैं ये 6 हैं, और इसको सिक्स पैक बैंड नाम दिया गया, और छक्का सच में इस वर्ल्ड को हमने कुछ टर्न करते हैं, मेकओवर करते हैं, वैसा मेकओवर किया है। अच्छा, आज आप लोगों को इससे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है, लेकिन जो और भी जो ट्रांस हैं जो बहुत पीछे हैं, अभी भी सड़कों पे भीख मांगना पड़ रहा है उन्हें, क्योंकि हमारे समाज उनको इस तरीके से बैकवर्ड में रखा गया है, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे और समाज से क्या कहना चाहेंगे? यही एक बात देख लो ना, ये पूरे स्टेडियम में, कितना बड़ा स्टेडियम होगा ये, कम से कम 1000 एकड़ में होगा, यहाँ पे अनगिनत महिला और पुरुष आए हुए हैं, मगर अगर हम किन्नरों की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 6 किन्नर के खड़े हैं केवल, तो इसी से बात साबित होता है कि किन्नर बहुत कम है और अभी तक मान्यता बहुत कम है, इसीलिए हम 6 हैं। और आज हमारे अलावा अगर किसी को देखा जाए तो यहाँ पे बॉबी किन्नर है, जो यहाँ से अभी निगम परिषद बनी हुई है, अपना क्या नाम है, जो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, उनसे निगम परिषद बनी हुई है, तो हम देख रहे हैं कि एक एक करके बढ़ रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं,
तो हमें इस बात की खुशी है कि जब तक हम कल हमें कहीं पे देखकर लोग सोचते थे कि ये लोग यहाँ कैसे पहुँच गए, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कहीं पर कई बार हमें रिसेप्शनिस्ट ने बोला गेट आउट, निकलो यहाँ से, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, जब मगर उनको जब पता चला कि वी आर द अवार्डीज, हम लोग तो अवार्ड लेने आए, तो उनका खुद शर्म से सर नीचे हो गया, माफ़ कर देना बहन हमें नहीं पता था, हम लोग यही सोचते थे कि हिजड़तों से भीख मांगते हैं या फिर आप आ गए होंगे किसी को हैरेस करने के लिए। हमने कहा नहीं, ज़माना बदल रहा है, आप अपनी सोच बदलिए, आप अपनी सोच बदलेंगे तो किन्नर भी बदलेंगे, और आप किन्नरों को मौका देंगे बदलने का तो किन्नर एक दिन देश भी बदलेंगे और दुनिया भी बदलेंगे। बहुत ही अच्छी बात। और सबसे अंतिम सवाल, लेकिन ये आने वाले समय में आप कौन सा फिर से ये बैंड जो है कौन सा गाना गाने वाला है, कुछ डिसाइड करा आप लोगों ने? हमने अभी एक गाना हमने गाया था जिसका अभी तक उन लोगों ने कुछ बाहर मतलब उसको विजुअलाइज नहीं किया अभी तक, वो गाना था नजरिया लग जाएगी मोरे कान्हा को कोई मत देखो। तो मैं आपके जरिए बोलना चाहती हूँ शमीर टंडन सर, इसको विजुअलाइज कीजिए, आधे में क्यों छोड़ दिया? इसका जवाब सच में हमारे पास नहीं है, बट हाँ सिक्स पैक बैंड कॉरपोरेट शोज कर रहे हैं जो हाँ। साल में 2-3 शोज होते हैं और वो करते हैं। इसके अलावा न्यू, व्हाट्स न्यू, आप मुझे लगता है हमें पूछने से अच्छा ये यशराज से पूछो या फिर स्पेशली समीर टंडन से पूछो हाँ। तो ये जवाब वो दे पाएंगे। के साथ तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, जैसे कि यशराज हर किसी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाता, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में हमारे 6 गाने उनके साथ में डिसाइडेड थे कि हम 6 गाने करेंगे आपके साथ, जो यशराज ने कर दिया। उसके बाद इसका जिम्मेदारी उठाया शमीर टंडन जी ने। तो एक गाना हमारे दर्शकों के लिए गा दीजिए। अरे मस्ती की बस्ती में सतरंगी तकलीफ है, अरे बेगानी पार्टी में सतरंगी पब्लिक है, अरे जाने ये कैसी मैग्नेटिक एनर्जी सबको ही खींचे चुंबक सी ये पुर्गी है, इसके चलने से चलता है जलवा ये बलता है, गेला 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 सारा जिल्ला हिल पर हिला तुझे कपाल हिला टिला, हिल हिल पर हिला तुझे कपाल हिला टिला, तुझे कपाल हिला टिला, तुझे कपाल हिला टिला, अग फैशन मराठी शोभल तुला, अग हिल हिल पर हिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा गाना, तो आने वाले समय में गाना आप सुन भी सकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे आज ट्रांस थे जिन्हें आज केजरीवाल ने सम्मानित किया है इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे, और बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद।